आवाज मेरी पहुंच रही है? अगर आवाज पहुंच रहा हो तो बोलिए। हेलो, आवाज पहुंच रहा है तो यस बोलेंगे। यस आवाज पहुंच रहा है, स्टार्ट किया जाए। चलिए बाबू, आज कौन सा चैप्टर शुरू करना था? लाइट चैप्टर शुरू करना है, प्रकाश। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, लाइट। अब प्रकाश के बारे में समझिए ध्यान से। लाइट यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप प्रकाश से कोई काम कर सकते हो। ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसके मदद से आप कोई काम कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारे हाथों में कौन सी पेशी है? ऊर्जा। ऊंचाई पे लटके पत्थर पे स्थितिज ऊर्जा, बहते पानी में गतिज ऊर्जा। उसी तरह प्रकाश एक ऊर्जा है। इससे कौन काम कर सकते हैं? आप बैटरी उटरी चार्ज कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से आप इसे क्या कर सकते हैं? बैटरी वगैरह इत्यादि को आप क्या कर सकते हैं? आराम से एकदम नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा जो चीज़ इसमें पूछता है भैया प्रकाश से, प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, साथ ही साथ प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। प्रकाश कण भी है। तो प्रकाश तरंग होने के साथ साथ एक कण भी है। इसी को हम लोग कहते हैं हमें क्या चीज? द्वैध गुण, डुअल नेचर ऑफ प्रकाश, द्वैध गुण, द्वैध गुण, डुअल नेचर। दो दो ठो नेचर है। एक ये कण है, दूसरा ये तरंग है। दूसरा ये क्या है? तरंग है। और ये क्या है? कण है। जब इसकी बात करते हैं, कण है, तो कण के रूप में इसे कहा जाता है फोटान। कण के रूप में इसे क्या कहा जाता है? फोटान, छोटे छोटे पैकेट के रूप में। और तरंग के रूप में इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो लंबवत चलती हैं। यानी ये कैसी तरंग है ध्यान से समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये कहाँ जा सकती है? निर्वात में भी जा सकती है। कहाँ जा सकती है? निर्वात में। और निर्वात में ही इसकी चाल जो होती है सबसे अधिकतम होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। हालांकि अगर आप इसकी चाल देखेंगे तो ये ध्वनि की चाल के ठीक उल्टी होती है। ये निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ये गैस में होती है, उसके बाद ये द्रव में होती है, द्रव में, और उसके बाद ये कहाँ होती है? ठोस में होती है। ठोस में बहुत कम प्रकाश जा पाता है। तकिया उकिया में देखेंगे ना, तकिया के रोशनी में, गद्दा में बहुत कम प्रकाश जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है, समुद्र में कितने मीटर गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है? तो ये लगभग 200 मीटर की गहराई तक जाता है। कितने मीटर की गहराई तक जाता है? 200 मीटर की गहराई तक जाता है। कितने मीटर तक? 200 मीटर की गहराई तक जाता है। इसके अलावे आपको एक और चीज़ पूछता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि भैया ये इस तरह से चलता है, ये कौन सा है? एक ऐसे चलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। एक ऐसे चलता है, अनुप्रस्थ। तो आखिर इन दोनों में कौन सा है? तो यहां तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, लेकिन इन दोनों की एक कैटेगरी है स्वभाव के हिसाब से, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है भैया? अनुप्रस्थ तरंग। तो ये लाइट जो है, प्रकाश जो है, इसके बारे में ये कुछ मतलब बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए था। प्रकाश क्या चीज है भैया? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तरंग होने का, एक कण होने का। जब ये कण का रूप लेती है तो उसे फोटान कहते हैं। ये आपको फोटान पढ़ना है कब? जब ये लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें भैया? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जीके ये क्लास खत्म होने के बाद जस्ट डालेंगे, ठीक है। जब जब क्लास को लास्ट करेंगे तो आप स्टैटिक जीके का बता दीजिएगा, ठीक है। हम तुरंत डालेंगे, जस्ट इसके बाद ही, वरना दिमाग से फिर उतर जाएगा मेरे। जैसे क्लास खत्म होने जाएंगे ना तब याद दिलाएगा, अभी नहीं।
जब हम बोलेंगे क्लास खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो उस समय बोल दीजिएगा। देखिए, तरंग होने के लिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसके बाद ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3×10^8, और निर्वात में ज़्यादा होगी गैस में, उस निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव, सबसे कम होती हैं सब ठोस में होती हैं सर। 200 मीटर तक गहराई चली जाती हैं सर समुद्र के अंदर सूर्य का प्रकाश, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं पहुँच पाता है, अंधेरा हो जाता है। तो ये हो गई है भैया प्रकाश के गुण, चाल वगैरह हो गए। अब प्रकाश में ना कई गुण देखे जाते हैं, प्रकाश में अन्य कई क्वालिटीज देखी जाती हैं, जिसे आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे एक गुण होता है परावर्तन, क्या गुण होता है परावर्तन, रिफ परावर्तन, कोई सी चीज का टकरा के आ जाना, और इसी परावर्तन पर काम करता है आपका दर्पण, जितना मिरर होता है वो इसी पर काम करता है। तो आपका ये एक अलग चैप्टर है और ये एक अलग चैप्टर है। परावर्तन का मतलब टकरा कर वापस आ जाना। इसके अलावा एक चीज और होता है इसमें, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है टकरा के नहीं, छेद के अंदर चली जाती है। तो छेद के अंदर चले जाने पे हम लोग पढ़ते हैं हम लोग लेंस को, क्योंकि लेंस के आर पार दिखता है, जबकि जो जिसमें आईना में देखते हैं आईना में आर पार नहीं दिखता है। तो एक ये भी चैप्टर है परावर्तन, और एक दर्पण भी है। दर्पण में 3 टाइप का दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस में भी 2 टाइप का मेनली होगा। इसके अलावा जब आप परावर्तन ये पढ़ लेंगे, तो इसके बाद आपको पढ़ना है प्रकिरणन, प्रकिरणन, प्रकिरणन पढ़ना है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे प्रकिरणन के अलावे, तो प्रकिरणन के अलावे भी आपको एक पढ़ना है जिसका नाम है विवर्तन, विवर्तन ये भी पढ़ना है आपको। विवर्तन के बाद ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ये सब का इंग्लिश अलग अलग होते हैं सब, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से आपको दोष यानी बीमारी पढ़ना है, आंखों में होने वाली बीमारी। अब बीमारी के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र पढ़ना है, जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सब चीजें का। तो प्रकाश में ये एक नेचुरल ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर अलग अलग हिसाब से हम लोग को ये पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन, क्या पढ़ेंगे परावर्तन, और परावर्तन के बाद क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ें। स्टार्ट किया जाए परावर्तन के बाद। कर रहा है ना तो वीडियो आ रहा है ना तो ऑडियो आ रहा है, घोंचू कहीं का, तूने के डेली समझाना पड़ता है, नहीं आ रहा है तो तू नहीं आ रहा है तो चुपचाप मोबाइल चलाते रहो, ना तो वीडियो आ रहा है ना तो ऑडियो आ रहा है, ना कहता है सब मोबाइल बंद करके चालू करे, ना तो वीडियो आ रहा है ना तो ये आ रहा है, सब बैल है सब, ससुरा सब सीधे भैंस छोड़ के एप्लीकेशन पे चलाया है। 20 बार समझाते हैं कि जब कुछ ना हो तो आप वापस हो जाए कीजिए, बैक हो जाए कीजिए, फिर आइएगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे भैया, परावर्तन। जब भी कोई चीज टकरा के वापस आती है ना तो उसे परावर्तन कहते हैं, जैसे इको का होता है परावर्तन, टकरा के वापस आ जाती है। क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट, तो जब आप मैच देखते होंगे तो आप देखेंगे यहाँ 3 विकेट रहता है और यहाँ 3 विकेट रहता है, इसके इधर से जब यहाँ बैट्समैन खेलता है, बैट्समैन में क्या गायब हो रहा है, बैट पकड़ तुम, इस जो बैट पकड़ ले, तो आप देखेंगे बॉलर यहाँ बॉल पटकता है और बॉल यहाँ पटकता है तो यहाँ से परावर्तन होता है, यहाँ से क्या होता है परावर्तन होता है। तो जब भी बॉल पटकता है ना तो यहाँ से क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसके अलावा आप लोग और परावर्तन का खेल बचपन में खेले होंगे, बॉल ले लेते होंगे, जब खेलने वाला कोई नहीं मिलता होगा तो दीवार पे मारते होंगे, आप मारते होंगे दीवार से, दीवार से वापस आ जाता हो, ऐसे टकरा जाता हो। तो जब कभी भी प्रकाश आती है और टकरा के वहीं चली जाती है, उसी मीडियम में, मतलब पार नहीं कर पाती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन। इसका मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, लौट जाना, टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। हम एक दूसरे को क्यों देखते हैं, परावर्तन के कारण, वस्तु का दिखाई देना, किसी भी वस्तु का दिखाई देना।
अब कोई भी वस्तु जो होती है वो दिखाई क्यों देती, दिखाई देना, कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है, परावर्तन के कारण। अगर किसी चीज में परावर्तन नहीं होगा तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, और अगर परावर्तन हो रहा है तो ही वो चीज दिखाई देती है। मान के चलिए अगर हम यहाँ से, मेरे पास से अगर लाइट ना, मतलब लाइट टकरा के इसी में सोख ले तो हम नहीं दिखाई दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो सकता है? दुनिया का ऐसा कौन सा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो सकता है? इसका मतलब वो दिखेगा ही नहीं जिसमें से परावर्तन नहीं होगा। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा चीज है जो प्रकाश को परावर्तित होने नहीं देता है? पानी बोलता है, ब्लैक होल। वेरी गुड हिमांशु सिंह, शुभम सिंह, ब्लैक होल। ब्लैक होल से कभी भी कोई चीज टकरा के नहीं आती है, इसीलिए वो दिखता ही नहीं है। तो सब कुछ रहेगा, बीच में आपको अजीब टाइप का रहेगा, वो काला रंग का नहीं दिखता है, वो काला नहीं दिखेगा। जैसे देखिए ब्लैक होल कैसे लगेगा, मान के चलिए आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, बीच का इतना पोर्शन दिखाई ही ना दे तो कैसा लगेगा? बीच का ये पोर्शन दिखाई ही नहीं देगा, तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो ब्लैक होल से परावर्तन की क्रिया नहीं हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं। परावर्तन जो होता है ये हमेशा किस पर होता है? मिरर पर होता है, मिरर यानी दर्पण पर होता है, दर्पण पर होता है, मिरर यानी दर्पण पर होगा। अब ये जो मिरर होता है इसमें दो चीजें आप समझिएगा। कहेगा मिरर बनता किससे है, मिरर का निर्माण किसमें में सहायक क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मिरर के पीछे जो पेंट किया जाता है, कलई किया जाता है, पेंट मतलब कलई, वो किस चीज का होता है? तो इसके निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है, ग्लूकोज निर्माण में ग्लूकोज की भूमिका होती है। कलई किस में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड से वर्षा हो जाती है, कृत्रिम वर्षा, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr मिला दिया जाता है ताकि वो एक ओर से दिखाई दे और दूसरे ओर से दिखाई न दे, तभी वो क्या बन पाता है, मिरर यानी दर्पण बन पाता है। अदरवाइज में वो दर्पण नहीं हो पाएगा, लेंस हो जाएगा, आर पार दिखने लगा तो लेंस हो जाएगा। देखिए ये जो है ना शीशा, ये शीशा दिख रहा है यहाँ पर, इस शीशा में, ये शीशा आपको क्यों ऐसे दिख रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, दर्पण है। इसके पीछे क्या रख दिए भैया हमने, पेंट कर दिए। क्या कर दिए? पेंट कर दिए। देखिए आपको बोल रहे थे ना पीछे चादर लगा दिए, दिख रहा है पीछे चादर? देखिए पीछे चादर लगा दिए इकोस्टिक को कम करने के लिए, वरना आवाज गूंजने लगता, आवाज क्या होने लगता, गूंजने लगता। ये क्यों हो रहा है भैया? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसी को दिक्कत है तो बताइए। कैमरा ही दिख रहा है, अब वो पीछे तो हमने वो लगा रखा ना। अब ये जो दर्पण होते हैं इसमें ये दो चीजें हो गई। अब इस दर्पण में दो तीन टाइप के दर्पण होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर जिसको कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, धंसा हुआ रहता है, कनकेव मिरर। तीसरी क्वालिटी हो जाती है आपको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। भैया परावर्तन में तो किसी को दिक्कत नहीं है, रडार किस पर काम करता है? परावर्तन पर। इको किस पर काम करता है? परावर्तन पर। सोनार किस पर काम करेगा? परावर्तन पर। हम आपको देख लेते हैं किस में, परावर्तन के आधार पर। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौट आना। परावर्तन सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है? मिरर यानी दर्पण। दर्पण जो हो गया यहाँ पर, दर्पण के पीछे पेंट करेंगे तो कलई, उसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और निर्माण में ग्लूकोज की भूमिका निभाई जाती है। अब किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समतल दर्पण, प्लेन मिरर हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी को अब तक में कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब तक में कोई दिक्कत नहीं है सर, केमिस्ट्री का बुक आया है आपको, वो भी लेना है कंबाइन? भाई कंबाइन साइंस नहीं है, केमिस्ट्री अलग से है, वो ले लेंगे तो आपको आगे भी काम करेगा ना, ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा उसमें भी काम करेगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? देख भाई हम आप लोग को एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आप सब लोग रेलवे में अच्छे से एग्जाम देंगे, लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं। अभी इस रेलवे के एग्जाम के बाद एक मेंस लेगा, मतलब रेलवे का CBT 1 है, अभी CBT 2 लेगा, फिर ज्वाइनिंग कराएगा, तामझाम लगेगा। क्या तुम लोग तब तक वेट करेगा? एक बात बताइए, आप क्या तब तक कोई और एग्जाम नहीं देंगे? देंगे ना। तो आप ये नहीं, आपको उसके बीच में कोशिश करना है कि रेलवे तो हम लेंगे ही लेंगे,
हम एक और बीच में पकड़ लेंगे, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम तो है नहीं, फिर ससुरा इसके बाद वाला कब लेगा किसी को नहीं पता। ये तो यही हम लोगों के हंगामा मचाने से हुआ है। आप लोग भी पता है, अगर यूट्यूब पे सारे टीचर मिल के हंगामा नहीं मचाते तो ये कब लेता, कोई ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे सीबीटी टू छोड़ो ना यार, अभी CBT 1 हुआ नहीं, अब ये होगा, इसका रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद ना तामझाम होगा। चलो इधर देखो, तब तक बीच में कोई ना कोई एग्जाम आएगा, उस सब में आपको ये काम करेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री का अगर जिनको बुक लेना रहेगा वो अलग अलग ले लेंगे। चलिए देखिए आप, प्लेन मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? समतल दर्पण। देखिए भैया, इसका जो सरफेस होता है एकदम समतल होता है, सरफेस होता है समतल होता है। अब इस पे पेंट करेंगे, नहीं तो ये तो दर्पण नहीं होकर शीशा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो इसके किसी एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब इस पर कोई प्रकाश आएगी तो इसे कहते हैं इंसिडेंस रे। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे, IR, इंसिडेंस रे कहते हैं, इंसिडेंस। और जब ये जाती है तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्स रे। ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। और ये क्या हुई? आई, आने वाली एंगल हो गई। और वो क्या हो गई? जाने वाली। तो जब एक किरण आती है और एक किरण वहां से टकरा कर क्या हो जाती है? जाती है। तो एक को क्या कहेंगे? इंसिडेंस, और दूसरे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। तो जो इंसिडेंस कर रही है इसे आई से दिखाते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करके परावर्तित हो रही है इसे आर से दिखाते हैं। इसे क्या करते हैं? आर से दिखाते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव रे। जहां से ये दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब जहां से ये टकरा कर लौटना चालू होती है, वहां हम अपने से एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये कोई रेखा नहीं है, ये हम जानबूझ के खींचे हैं ताकि इसके इधर का एरिया किसको दिखा सके? आपतन को दिखा सके। किसे दिखा सके? आपतन यानी एंगल, किसे दिखा सके? इंसिडेंस को। और इधर का एरिया परावर्तन को दिखा सके, परावर्तन। इधर का एरिया किसे दिखा सके? परावर्तन को दिखा सके। तो एक ओर हो गया आपतन, दूसरी ओर हो गया परावर्तन। तो एक ओर आपतन, दूसरी ओर क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आपतन, आपतन और दूसरी ओर हो गया परावर्तन, बीच के इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। कोई भी एंगल का जब डिसाइड किया जाता है, एंगल जब निकालना होता है, तो याद रखिएगा एंगल हमेशा नॉर्मल से निकाला जाता है, अभिलंब से। जैसे हम कहें कि आने वाली किरण का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि सर ये भी एक एंगल बना रहा है और ये भी एक एंगल बना रहा है। तो आने वाली किरण का जो एंगल होगा वो हमेशा एंगल कहाँ से नापा जाता है? अभिलंब से नापा जाता है। तो कहेगा अभिलंब का काम क्या होता है? तो मेजर क्या करना है? मेजर एंगल। ये क्या करता है? एंगल को नापता है। तो हमेशा ये वाला इधर होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल आई। इसे क्या कहते हैं? एंगल आई। कौन सा एंगल है भाई? एंगल आई है। तो इसको बस आई लिख देते हैं, आपतन कोण कहते हैं इसे। और जब ये टकरा के जाता है तो इसे परावर्तन कोण कहते हैं। टकरा के जब लौट जाता है तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कोण को हम कहाँ से नापते हैं? अभिलंब से नापते हैं। कहेगा कि कोण को कहाँ से नापते हैं? कोण का माप कहाँ से माप किया जाएगा? तो भैया अभिलंब से। कोण का माप अभिलंब से किया जाता है, ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का साइन हो गया, तीसरा एल एल बना दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से दिखाते हैं। दूसरा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसे कहते हैं एंगल आर, मतलब परावर्तन कोण। अब इसमें तीन दो तीन चीज़ें याद रखिएगा कि हमेशा और हमेशा जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर ही जाएगा। और तीन चीज़ हमेशा एक लीनियर होती हैं, कोलीनियर। कौन सा? एक रेखीय।
क्या चीजें एक रेखीय होगी? तो भैया देखिए क्या है, आप आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आने वाली रेखा में और तीनों एक ही तल में होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? ये नहीं समझ में आया होगा, तीनों एक ही रेखा का मतलब क्या है? मतलब ये क्या है कि ये तीनों का जो मिड पॉइंट है ये यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा कि देखिए ना, ये वजह जो एंगल है इसको हम ऐसे कर देते हैं और ये जो अभिलंब है यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, अब क्या परावर्तन होगा? नहीं होगा। तो परावर्तन के लिए सबसे बढ़िया शर्त समझिएगा क्या चीज, कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। कहाँ होना चाहिए? एक ही तल पर होना चाहिए। तो इसको हम इसके तल पे लाते हैं, और ई भाई साहब जो उधिया के गए हैं यहाँ, इसको भी अपने तल पे लाते हैं। भैया तू अपने ही तल पे रहो, अच्छा लग रहे हो अपने ही तल पे। आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? कोलिनियर एक ही तल पर होने चाहिए, एक ही साथ होने चाहिए। तो इसका आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है, हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बना देते हैं। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं सर, इक्वल होते हैं सर। ये चीज़ क्या है? तो ये है भैया आपका तल, सरफेस है। क्या है? तल है, सरफेस है, यानी तल है। चलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। कहे कि एक किरण, मतलब कोई रे है, एक किरण दर्पण के समतल, दर्पण यानी प्रिलेन मिरर है, समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है, फिगर आप अपने से ड्रॉ करते रहिए, तो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण बताइए कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा? यार 50 किस तरह से दे रहे हो लोग, होश में नहीं हो क्या? जिनका आंसर 50 आ रहा है मतलब आप लोग नशा वशा में हैं। देखिए वो कहाँ से एंगल कह रहा है भैया, ये है तल, ये है तल, कह रहा है ये है आपका अभिलंब, ये अभिलंब, वो कह रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, रे बकलोलवा, तल से बोला है 50, तल से बोला है 50, तो बताइए हाई कितना, तल से बोला है ना 50, रे बाबू इधर देख, आई अभिलंब हाई तल कितना डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। देखिए यहाँ से अभिलंब और तल 90 डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, ये 50 बन चुका है, तो बताओ ये कितना होगा, ताकि 90 हो जाए, 40 होगा तब 90 होगा। अब तुमको पता चल गया कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, बिना दिमाग लगाए इसको भी मारो 40 डिग्री, कितना डिग्री? 40 डिग्री, आंसर तो 40 डिग्री ना आना चाहिए यार, क्या मारता है तुम लोग, एग्जाम में गलती करके आएगा, कहेगा कि सब बनाए हैं, 80 को बनाए हैं, 80 को कौन सी बनाए, होश में रहो, कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन दे, एक किरण है समतल दर्पण,
एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से, पैंतीस डिग्री का कोण बनाती है। पैंतीस डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण। आंसर मार दिया सर, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, किरण के बीच का कोण। देखो भैया होश में बनाना, बिना फिगर मत बताना, बिना फिगर बनाए जो सोचेगा वो गलती होगा, कंफर्म गलती होगा। चालीस ला रहा है वो, देखो पचपन आ रहा है कई ठोका। तीस उस कैसे ला रहे हो भैया, तीस तो किसी कीमत में नहीं आएगा, पचपन वालों का सही है। भाई आप इतना मेहनत क्यों करते हो, एक फिगर बना लो, बिना फिगर बनाए जो इसमें करेगा वो फेल होके आएगा, फिर 5 साल इंतजार करेगा अगली वैकेंसी का, जिसका इसमें नौकरी नहीं होगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मेहनत करते रहेंगे लोग। चलिए इसमें हमने खींच दिया एक अभिलंब, किरण को लाते हैं यहां से, भेज देते हैं यहां पर, ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 35 डिग्री है, कितना डिग्री है, 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री। आपको पता है कि जब कोई भी नॉर्मल होता है वह इंसिडेंट अपने तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा 90 होना चाहिए, यहां से यहां ये पूरा 90 होना चाहिए। अगर ये 35 हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 35 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब जरा सोचिए वो पूछा क्या है, पूछ रहा है कि आपतित किरण यानी ये, इसके बारे में पूछ रहा है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण यानी जो जा रही है, रिफ्लेक्टिव एंगल यहां से जा रही है, तो जो आ रही है तथा जो जा रही है इनके बीच का टोटल एंगल। तो रे भैया टोटल 55 प्लस 55 आएगा 110, 55 प्लस 55 110 ना आएगा, नहीं हुआ, 55 प्लस 55 110 हो जाएगा, 55 प्लस 55 बराबर 110, 55 प्लस 55 बराबर 110। पचपन प्लस पचपन बराबर 110, ये हो गया। तो भैया एक तो ये इससे इतने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एक का फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप पर चलते हैं, फर्स्ट टाइप का ये हो गया, अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप कहता है, पहला क्वालिटी हो गया, दूसरा कहता है कि अगर किसी समतल दर्पण को, अगर किसी समतल दर्पण को आप थीटा कोण पर घुमाएंगे, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमता है, यानी दर्पण को, किसको, दर्पण को अगर आप घुमा देते हैं कितना थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ये मीट क्यों रह रहे, तो उसका जो बनने वाला फोटो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये कितना कोण पर घूम जाएगा, 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा, मीट कहा जा रहा है ये, यानी अगर आप दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना घूमेगा, 2 थीटा कोण पर। यानी अगर कोई, यदि मान के चलिए कोई शीशा है, मान के चलिए कोई शीशा है, वो 2 डिग्री झुका हुआ है, तो आप उसमें अपना फोटो देखेंगे तो आप कितना डिग्री झुके रहेंगे, 4 डिग्री, समझ में आ गया, कितना डिग्री, 4 डिग्री।
यही वजह है ससुराल कि अगर ये बोर्डवा हल्का सा कैमरों टेढ़ा हो जाता है तो आपको कुछ ज्यादा ही टेढ़ा लगने लगता है। हम कहते हैं दूर ससुराल तनी सा तो टेढ़ा है लेकिन आप तक परावर्तन होके पहुंच रहा है, दूना दिखने लगता है। यानी 5 डिग्री इधर टेढ़ा तो 10 डिग्री आपको दिखने लगेगा। किसी भी दर्पण को आप जितना एंगल घुमाएंगे तो उसके अंदर वाला फोटो उसके डबल एंगल झुका दिखेगा। यानी किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाने पर प्रतिबिंब कितने कोण पर घूम जाता है? 2 थीटा कोण पर घूम जाता है, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। पवन कुमार जी लास्ट में याद दिलाइएगा स्टैटिक जीके के लिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक तो कह रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा है, रुक जा भैया हम देख लेते हैं अभी। रुक जाओ वो 1 सेकंड हम देख लेते हैं। एक तो लड़का कह रहा है कि सर जो बुक है उसमें आंसर ही नहीं मिल रहा है। अरे बकलोलवा ये देखी बुक देख, ये जो बुक है ये क्वेश्चन है बल का। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? किसमें केवल परिमाण होता है? तो अदिश राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। ये क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा ग्रुप डी में 2018 में, कौन कौन शिफ्ट में कितना कितना तारीख को पूछा है। यहाँ पर इसके बगल में आंसर लिखा हुआ है सी, इसके बगल में लिखा है बी, इसके बगल में डी। अब तू लोग ऐसा ऐसा अनहरिया लेकर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे तू लोग को? नहीं दिया आंसर। चलिए देखिए छोड़िए, तो ये 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। दूसरा देखिए, अगर वस्तु की चाल, किसकी चाल भैया? वस्तु की चाल अगर भी है, कितना है वस्तु की चाल भी है तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? प्रतिबिंब की चाल 2 भी हो जाएगा, कितना होगा? 2 भी हो जाएगा। ये मीट जा रहा है, पता नहीं क्यों पगला गया इससे जुड़ा, बुढ़वा पगला गया। उसके ऊपर ही लिंटर वाला ढलैया कर रहे हैं ना, तो हमको लगता है बुढ़वा को सीबीएसई बोर्ड का लक्षण पड़ गया है। क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड में जैसे ऐसे लिखते हैं जानवर, देखो इससे सीबीएसई वाला हो गया ये, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम किसी दर्पण की ओर कितना स्पीड से आएंगे, कितने स्पीड से? भी वेग से आएंगे तो फोटोहुआ कितना दिखाई देगा? 2 भी वेग से। कितने वेग से दिखाई देगा? 2 भी वेग से दिखाई देता है। कितने वेग से दिखाई देता है? 2 भी वेग से। इसीलिए जिम में आप देखिएगा, जो जिम किया जाता है तो चारों ओर से शीशा लगा देता है। चारों ओर से क्या होता है? शीशा लगा देता है, ताकि उसको पता है कि इसमें वो दौड़ेगा ससुरा दौड़ेगा 20 की स्पीड में, देखेगा लगेगा ओ माय गॉड 40 की स्पीड दौड़ रहा है, दौड़ेगा 40 उसको लगेगा 80। अरे ससुरा तनी का उसको देख के अपने में खुश रहेगा, ओ माय गॉड कितना अच्छा हम धावक है मिल्खा सिंह। ससुरा बाहर निकल तुम दर्पण से, थोड़ा मिल्खा सिंह निकल जाएगा जानबूझ के। वो जानता है कि अगर कोई चीज समतल दर्पण में दिख रही है तो जितने स्पीड में है उसके वो डबल स्पीड में दिखती है। कितने स्पीड में? डबल स्पीड में। किसी को दिक्कत? आप भी करते हैं जिम? करते हैं, वेरी गुड, करिए करिए भाई, हमको भी लग रहा है करना पड़ेगा। देख रहे पेट निकल रहा है इसे, देखिए ध्यान से। तो ये वस्तु की चाल हो गई भी, तो उसके हो गई 2 भी वेग से। नचनिया जो होती हैं सर, लड़की सब नचनिया बनती हैं सर, डांसर समझते हैं, नचनिया समझते हैं डांसर। हम लोग डांसर को हिंदी मीडियम वाले नचनिया कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले उसे डांसर कहते हैं। तो लड़की सब ना डांस सीखती है सर, ओ माय गॉड ये देखो, लड़का पगलाएगा ससुरा जिम चल जाएगा, लगेगा खूब अच्छा दिखेगा। लड़की चलेगी तो नाचने चलेगी, ओ माई गॉड ऐसे ऐसे नाचेगी उसमें। तो अगल बगल में क्या करता है? शीशा लगा देता है।
अगल बगल में शीशा लगा देता है। उसको पता है कि अगर प्रतिबिंब टू भेक से चल रहा है, वस्तु अगर बी भेक से चल रही है तो कितना पे दिखाई देगी, टू भी पर, तो नाचेगी कम स्पीड में। और लिखेगा, अरे वाह माधुरी दीक्षित फेल, वाह 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 वाह, अरे लड़की सब जो डांस करते, जो कॉलेज में सीख के आती है सब ना, सीख के जो नचनिया वाला स्कूल में सीख के आती है, उससे बढ़िया तो लड़कवा नागिन डांस कर देता है, उससे फास्ट कर देगा लिया नागिन डांस यहाँ पे, समझा गया। तो ये शीशा का कमाल है, किसका कमाल है, शीशा का कमाल है। इसलिए शीशा के कमाल से बच के रहिएगा भैया, शीशा में बहुत चीज हो जाते हैं सब। आगे बढ़े, चलिए तीसरा देखते हैं। प्रतिबिंब हो गया, टू भी बेग से दिखेंगे। अगर आपके अंदर, अगर आप प्रतिबिंब से एक्स मीटर की दूरी पर है तो आपका फोटो कितना मीटर की गहराई पर होगा। जितना मीटर आप बाहर होते हैं प्रतिबिंब के, अगर कोई वस्तु प्रतिबिंब के बाहर होती है तो कितनी अंदर दिखती है, कोई आइडिया बताए दो। उतनी ही दूरी होती है, देखिए इसमें टू भी मत कर दीजिएगा। वस्तु यदि एक्स मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितने हो गए, ये भी कितने मीटर होगा, एक्स मीटर गहरा होगा, कितना होगा, एक्स मीटर गहरा होगा, कितना मीटर गहरा होगा, एक्स मीटर। समझिए कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दस मीटर दूरी पर किसी दर्पण से, 10 मीटर दूरी पर खड़े श्याम को, किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी खड़े व्यक्ति को, व्यक्ति में इस व्यक्ति तथा इसके प्रतिबिंब यानी जो फोटो बनेगा उसमें कितनी दूरी होगी। सिंपल है यार, कि जितनी दूर आप दर्पण से होते हैं दर्पण के अंदर उतनी ही दूर आपका फोटो रहता है, यानी आप दर्पण से जितना दूर हैं उतने अंदर आप दर्पण के अंदर हैं, यानी ये शीशा से आप जितना दूर हैं शीशा के उतने ही अंदर हैं। तो 10 अंदर 10 बाहर, टोटल दूरी 20, टोटल दूरी 20। लेकिन इतना हलवा वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं ना देगा, क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में, समझिए ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है ताकि आप समझ सके, ताकि थोड़ा सा उलझ सके। कहेगा एक लड़का 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। एक लड़का कितने वेग से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। तो लड़का है 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है, ये दर्पण है। कितने जा रहा है यहाँ पर, अब इसके बाद वो टाइमिंग दे देगा, कहेगा कि 8 सेकेंड बाद लड़का को अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की गहराई पर दिखाई देता है। कितना सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद उसको प्रतिबिंब कितनी गहराई पर दिखाई दिया है, 20 मीटर की गहराई पर दिखा है। तो इमेज कह रहा है प्रतिबिंब, कितने मीटर पे, 20 मीटर की गहराई पर। तो शुरुआत में लड़का से और इसके बीच में दूरी कितनी थी, शुरुआत में दूरी कितनी थी, कितनी थी भैया, देखिए इसमें कुछ लोग का 42, कुछ का 52, कुछ का कुछ आ रहा है। ये दर्पण है, इसमें लड़का शुरुआत में यहां से यहां आया है और जब ये देखा है अपना फोटो
तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर, यानी ये टोटल डिस्टेंस 20 है, यानी यहाँ से यहाँ 10 है। वो क्या कह रहा है, उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दूर दिख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर बन रहा है, ऐसा नहीं है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर, यानी 10 ये 10 ये। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में स्पष्ट देगा कि उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर दिखता है, तो आप 20 यहाँ लिखेंगे 20 यहाँ लिखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बोले हैं मेटेरियल में, जो आपके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि लड़का को यहीं से अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दिखाई दिया है, तो ये 10 ये 10, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये आया कितना दूरी से था, दूरी निकाल देते हैं, कितने दूरी से आया था, ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, चाल गुड़े समय, दूरी बराबर चाल गुड़े समय। चाल कितना था भैया, 8 मीटर पर सेकेंड, कितना था चाल, कितना दिया था भैया, 4 मीटर पर सेकेंड, समय था 8 सेकेंड, समय था 8 सेकेंड, यानी 32 मीटर। यहाँ ये 32 मीटर तय करके आया है, और यहाँ 10 मीटर, और यहाँ से जब देखा है तो उसको दिखाई दिया है कि भैया हम 20 मीटर अंदर हैं, 20 मीटर अंदर है, यहीं से 20 मीटर, तो ये 10 और ये 10। अब कह रहा है कि इस शीशा से, यानी ये दर्पण से, इस लड़के की प्रारंभिक दूरी कितनी थी, तो ससुर 32 मीटर यहाँ से दौड़ के आया, और फिर देखा तो वहाँ पे, तो टोटल 42 मीटर, कितना 42 मीटर। चालीस कहाँ से ला रहा है भाई, 42 मीटर, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक लड़का दर्पण की ओर, पांच सेकंड बाद 10 मीटर की चाल से एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर अपना प्रतिबिंब देखता है, देखता है अपना प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर वह था, दूरी से वह चलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इसका आंसर दे दीजिए। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें, कोई 80 ला रहा है, कोई 65 ला रहा है, भाई कोई एक सही है, किसी का 80 आ रहा है तो किसी का 65 आ रहा है, कोई एक सही है।
चलिए सॉल्व करते हैं। ये भाई साहब यहाँ से चलना प्रारंभ किए हैं। यहाँ आने के बाद इनके सामने एक दर्पण दिखाई दिया। अब ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि दर्पण के अंदर इन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा है। देखिए तो क्या लिखा है, 10 मीटर प्रति वेग से चल रहा एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो खुद से 30 मीटर की दूरी पर है, दर्पणवे से 30 मीटर की दूरी पर उनको अपना फोटो दिखाई दिया है। तो भैया ये कितना दूरी पर है, ये भी 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल कितना है भैया, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से कितना समय तक, 5 सेकंड बाद 50 मीटर। तो ये हो गए 50 मीटर। अब प्लस ये यहां से यहां पूछ रहा है ना, यहां से यहां, तो 50, ये वाला 50 प्लस 30 80, कई लोगों का 65 आया है। रीजन क्या है, वो ये सोच लिए होंगे कि यहां से, वो खुद कह रहा है कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर, इससे पहले वाला अलग था। नहीं हुआ, चलिए अब हम आते हैं यहां पर, इन क्वेश्चंस को मिटाते हैं। मिटा देना, ये दोनों पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर 2 डिग्री घुमा दिए तो कितना डिग्री झुका हुआ दिखेगा, 4 डिग्री झुका हुआ दिखेगा। 100 की स्पीड से जा रहे हैं अंदर, वह कितना दिखेगा, 200 स्पीड में दिखेगा, डरिए जाएगा आदमी। इसीलिए आप देखेंगे मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है ना, जो साइड में देखने के लिए होता है, साइड मिरर, उसमें दिखता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर, मतलब वो जितना दिख रहा है ना उससे क्लोजर है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर, मतलब जितना दिख रहा है उतना नहीं है, वो आपको करीब दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि अगर कोई, सपोज कीजिए कोई 100 मीटर की दूरी पर आ रहा है, 50 की स्पीड से आ रहा है, आपको दिखेगा 200 की, 100 की स्पीड से जा रहा है, आप तो कंफ्यूज ही आ जाएंगे, लगेगा कि ये है वो, वहां नहीं है। वो कह रहा है कि जो दिख रहा है वो थोड़ा सा करीब लाकर दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि भैया वो 2V वेग से दिखाई देगा। कितने वेग से दिखाई दे रहा है भैया, उसको 2V वेग से दिखाई दे रहा है, इस वजह से मेन दिक्कत हो जाता है। कितने वेग से दिखाई दे रहा है, 2V वेग से दिखाई देता है। तो ये 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और पूछता है, बहुत फेमस है, वो सबको पता होना चाहिए। पूरी लंबाई को अगर देखना है आपको, पूरा शरीर, अगर आप चाहते हैं कि अपना पूरा शरीर देखना है, तो आपको अपनी आधा लंबाई का दर्पण, आधा लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। क्या करना है भैया, आधे लंबाई का दर्पण लेके रखना है। अगर आप पूरा शरीर देखना चाहते हैं तब आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, आधे लंबाई का दर्पण लेकर देखना पड़ेगा, तब आप इसे पूरी शरीर आप आराम से देख सकते हैं, अदरवाइज आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। पांचवा, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज, इमेज की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। अगर ये इवेन नंबर आ गया, गलती से आप इसको भाग दे दिए और ये सम संख्या आ गया, तो इसमें से एक घटा लीजिएगा। यानी अगर आपका भागफल कितना आता है, इवेन यानी सम संख्या आ जाता है, सम संख्या, तो आप क्या करिएगा, 360 बटा थीटा, अगर मान के चलिए इसको भाग दिए आंसर आया 5, तो सीधे 5 मार दीजिएगा। मान के चलिए आंसर आया इवेन नंबर, तो इवेन नंबर पे आने पे ये घटा देते हैं।
क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, अदरवाइज में एक नहीं घटाते हैं, अदरवाइज में एक नहीं घटाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए, किसी सैलून में, सैलून समझते हैं ना, सैलून में आमने सामने जो दर्पण लगता है, आमने सामने के दर्पण, आमने सामने के दर्पण में 60 डिग्री का झुकाव है, झुकाव है, तो कै गो मूड़ी लौकेगा। साठ डिग्री का झुकाव है तो कै गो मूड़ी लौकेगा। बताइए बताइए। कहे तो मूड़ी लौकेगा। तो भैया मूड़ी बराबर, देखिए एन मतलब क्या हो गया, एन एन बोले तो मूड़ी की संख्या, मूड़ी की संख्या है, एन मतलब क्या होता है, इमेज, एन बराबर मूड़ी, नहीं समझता है सर। 360 बटा थीटा, तो पहले तो यही करना है, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा कितना डिग्री है भैया, 60 डिग्री है, जीरो से जीरो से जीरो कट गया, कितना बार में कटा, 6 से कितना बार में कटेगा, कितना डिग्री है, 6वीं डिग्री है, ले 6 6 के 36 हो गया। अब भैया ये तो सम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, दिक्कत यहां यही है, सम संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सम संख्या हो गया तो वो घटा दीजिए, 5 गो मूड़ी लौकेगा उसको, कै गो मूड़ी लौकेगा, चलिए नब्बे डिग्री का कोण है, ऐसे सुना 90 डिग्री के कोण में दिक्कत हो जाएगा, चालीस डिग्री का कोण है, चालीस डिग्री का कोण है, तुम तो? बताइए बताइए, 40 डिग्री का अगर एंगल बना देता हूं, हाँ, एन बराबर 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, तो 360 थीटा का बोले तो 40 डिग्री, 90, 90 छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है, 90 छोड़ देंगे, क्योंकि 9 छोड़ देंगे, विषम संख्या है, 9 छोड़ दीजिए, विषम संख्या, जीरो डिग्री कर देंगे तो अनंत हो जाएगा। पचास डिग्री है तब, 50 डिग्री है,
360/50, 7.2। देखिए भैया, पॉइंट में कितनों हो जाए आपको दशमलव की इधर वाला ले लीजिएगा, पूर्णांक संख्या लीजिएगा, इधर वाला ही ले लीजिएगा। रीजन क्या है कि अगर किसी का फोटो तनी सा कटा है, या फिर मान के चलिए आपका ब्याह का फोटो है और उसमें 10% कटा है, यानी माथवे कट गया है, तो क्या कहेगा, ऐ चलन है 10% कटल है, क्या होगा, चलन है, चलेगा नहीं चलेगा, पूरा चाहिए, पूरा चकचक आइल फोटो, पूर्णांक ले लीजिएगा कितना, 7। इंटीजर ले लीजिएगा पूर्णांक 7। जीरो डिग्री का है, जीरो डिग्री कितना डिग्री बाबू, जीरो डिग्री बस, एन बराबर 360/0। जीरो से कोनो चीज में भाग देंगे नहीं, जो सीधा उलाट पलाट के अनंत कर देता, ले सजुरा रद्द कर देता है। यानी आपको ये वाली चीजें पूरा कंप्लीट हो गया दर्पण में। दर्पण में एक और पहले का कंसेप्ट था, एक ये वाला था, यानी दर्पण का जो फर्स्ट कंसेप्ट था, फर्स्ट वाला क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा नंबर, दर्पण को जितना झुकाएंगे सोचा फटौआ दुन्ना झुक जाएगा, हचाक से दौड़ेंगे तो बहुते हचाक से दौड़ेगा, धीरे दौड़ेंगे हचाक से दौड़ेगा, जितना दूर बाहर उतने दूर अंदर, पूरा फोटो देखना है तो आधी लंबाई का, हम हैं 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच। आप बताइए हम कितने, हम 5 फीट 8 इंच के हैं, कितना हमको रखना चाहिए अपनी लंबाई का आधा। मान लीजिए अमिताभ जी को, मान लीजिए 6 फीट से भी ज़्यादा हैं, बहुत लंबे हीरो हैं अमिताभ बच्चन, 6 फीट, 3 फीट का कम से कम शीशा रहना चाहिए, कम से कम कितने फीट की रहनी चाहिए, 3 फीट का रहना चाहिए, तभी दिखेगा, अदरवाइज में नहीं दिखेगा। छठवा एक चीज होता है पेरिस्कोप, परिदर्शी, परिदर्शी पेरिस्कोप कहेगा। पेरिस्कोप में शीशा कितने डिग्री पर लगा रहता है, तो पेरिस्कोप में शीशा 90 डिग्री पर ना लगे, 45 डिग्री पर लगाया जाता है। पेरिस्कोप पर कितने डिग्री पर लगाया जाता है भाई, 45 डिग्री पर लगाया जाएगा। पेरिस्कोप पर कितने डिग्री पर लगाया जाता है, 45 डिग्री पर। पेरिस्कोप क्या होगा, देखिए पेरिस्कोप कहाँ लगाया जाता है, पनडुब्बियों में। पेरिस्कोप कहाँ लगाया जाता है भाई, पनडुब्बी में। पनडुब्बी एक ऐसी चीज होती है बिना जमीन पे आए ऊपर की चीज को देख लेती है। यहां मान लीजिए कोई जहाज खड़ा है, पानी वाला जहाज है, यहाँ पानी वाला एक जहाज खड़ा है। पनडुब्बी एक ऐसा डिवाइस होता है जो पानी के अंदर रहती है, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती हुई एक जहाज होती है। ये किस चीज़ का प्रयोग करती है, तो भैया पेरिस्कोप का प्रयोग करती है। पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए एक इस तरह की डिवाइस होगी, ये हो गया पेरिस्कोप, इसका इधोधड़ मुंह हो गया, मुंह खुलल रहता है, यहां से मुंह खुलल है। इसको देखेंगे ना अंदर, तो अंदर इसको इधर घुमा दिया जाएगा, इसका मुंह इधर घुला है, इसमें से देखेंगे तो दिख जाएगा, इसमें से देखेंगे तो दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, देखिए यहां एक 45 डिग्री का एंगल पर एक थोड़ा दर्पण लगा दीजिए, जैसे 45 डिग्री के एंगल पर लगाएंगे ना, ये फोटोआ इसको देखेगा, इससे जो यहाँ पे हचाक से फोटो को नीचे भेज देगा। जैसे आप इसमें क्या लगाएंगे, 45 डिग्री के एंगल पर, ये तुरंत इस फोटो को कहाँ भेजेगा, नीचे। तो ऐसे देखिएगा,
एक काम करते हैं, हियो एगो 45 डिग्री पे लगा देते हैं, ई हचाक से फटा हुआ यहां भेज देगा, ये यहां से देख लेगा। तो पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप किसे बोलते हैं, परिदर्शी को कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो भैया ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो समतल दर्पण लगाते हैं, कितने डिग्री पर लगाते हैं, तो भैया ये हम लगाते हैं इसे 45 डिग्री पर। पेरिस्कोप से किसका प्रयोग करते हैं, पनडुब्बियां बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पनडुब्बी बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करेगी, पेरिस्कोप का, ठीक है। पनडुब्बी कितने का प्रयोग करती है, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, समतल दर्पण से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल और उत्तल। अभी आपको प्लेन मिरर में कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। अब उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी, पावर, अनंत कब होगा, कब क्या होगा, प्रतिबिंब धनात्मक ऋणात्मक, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये सब चीजें हम अब आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। आभासी इमेज आगे बताएंगे। चलिए अब देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। हिंदी में क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये स्फेरिकल दर्पण यानी गोलीय दर्पण जो होता है, ये दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है आपका कनकेव, इस इंग्लिश में कहते हैं अवतल, अवतल यानी हिंदी में अवतल। एक होता है कन्वेक्स, क्या होता है, कन्वेक्स, हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल, हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। अब भैया ये तो था गोलीय दर्पण का, देखिए कैसे, ध्यान से समझिए, एक गोला था ये, एक क्या था, गोला, याद रखिए क्या चीज था भैया, गोला था। अगर आप इस गोला को काटेंगे, अगर आप क्या करेंगे, इस गोला को काटेंगे तो ये एक दर्पण बन जाएगा। देखिए गोला को काट दिए, गोला को काट दिए कि नहीं काट दिए, दर्पण बन गया। हमेशा याद रखिएगा, दर्पण का हमेशा दाहिना साइड पेंट कीजिएगा, दर्पण का हमेशा क्या काटना है, दाहिना। पहले दोबारा देखिए, दोबारा दोबारा नहीं समझा सब, यह एक गोलीय दर्पण था, इसको अगर हम काट दें तो ये एक दर्पण बन जाएगा, क्या बन गया, दर्पण बन गया कि नहीं, बन गया दर्पण। तो जब भी दर्पण जो हम बनाएंगे, ये क्या बनता है भैया, ये दर्पण को हम जब भी बनाते हैं तो इसका दाहिना साइड हमें क्या करना रहता है, पेंट करना रहता है। कौन सा साइड पेंट करना रहता है, दाहिना साइड। तो अभी उससे हम लोग नहीं जाते हैं, देखिए यहाँ लिखने में हम दाहिना हम बोल दिए ना, तो लिखने में हम इधर से कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना है, इधर कनकेव लिख देते हैं क्योंकि फिगर के हिसाब से उल्टा बन गया है अवतल, और इधर कन्वेक्स लिख लेते हैं ताकि उत्तल हो जाएगा, कन्वेक्स यानी उत्तल। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मिरर को पेंट करना है दाहिने साइड में पेंट करना है, और जब भी किसी वस्तु को रखिएगा, कोई लड़का लड़की, प्रकाश, रोशनी, खंबा, टॉर्च, ये सबको हमेशा कहाँ रखना है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखना है। इलेक्ट्रिसिटी और
ऑप्टिक्स यानी प्रकाश में नियम है कि आपको प्रकाश को बाई ओर से लाना है। अब आप मान के चलिए प्रकाश को बाई ओर से ला रहे हैं, बाई ओर पेंट कर देंगे तो आएगा कैसे? हमेशा दाहिनी साइड पे पेंट करना है, याद रखिएगा। पेंट कैसे करना है? दाहिने साइड में। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये हमको किस साइड में पेंट कर देना है भैया? दाहिनी साइड में पेंट कर देना है। तो ये हो गया, ये हो गया। अगर हम इसका दाहिना साइड पेंट कर दिए तो इसका बायां साइड पचक गया। जिसका बायां साइड पचक जाता है उसे कहते हैं अवतल। इसका भी दाहिना साइड क्या करेंगे? पेंट। जिसका बायां साइड उठ गया उसे कहते हैं उत्तल। क्योंकि हमें कौन सा सरफेस देखना है, हमको काम लायक सरफेस कौन सा होता है? बायां। कभी भी प्रकाश के चैप्टर में प्रकाश को बाएं साइड से लेके आना है, दाहिने साइड से आप रोशनी नहीं ला सकते। तो हमें जरूरत थी बाएं की। जब कभी भी हम किसी भी समतल दर्पण का, किसी भी समतल दर्पण का जब कभी भी हम बायां साइड पेंट करते हैं, हमेशा किसी भी दर्पण का कौन सा साइड पेंट करेंगे? बायां साइड, सॉरी राइट साइड पेंट करेंगे। तो अगर बायां साइड धंसा हुआ है, गुफा की तरह केव निकला हुआ है, तो उसे कहते हैं कनकेव, धंसा हुआ है अवतल। और इसे उठा हुआ है तो इसे कहते हैं उत्तल, भैक्स, कन्वैक्स, फेंक दिया है बाहर। तो ये कौन सा दर्पण है भैया? कन्वैक्स है। ये कौन सा है? कन्वैक्स है। नहीं समझा सब अभी भी? यहां देख लो, अब हम ये बताते हैं। ये वाला जो दर्पण देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं कन्वैक्स। जिसका बायां साइड उठा हुआ रहे उसे कन्वैक्स कहते हैं, जिसका बायां साइड धंसा हुआ रहे उसे कनकेव कहते हैं। जिसका बायां साइड धंसा हुआ रहे उसे कनकेव, और जिसका बायां साइड उठा रहे कन्वेक्स। इसे गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी ना किसी एक गोला का भाग होता है, क्योंकि ये किसी ना किसी एक गोला का भाग होता है, किसी ना किसी ये क्या होता है? गोला का भाग होता है। ये किसी न किसी किसका भाग होता है भैया? गोला का भाग होता है। किसी न किसी गोला का भाग होता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का एक हिस्सा कहते हैं। किसी न किसी गोला का भाग होने की वजह से गोलीय दर्पण का एक हिस्सा कहते हैं। अब बात आती है कि सर फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, फोकस दूरी से पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए। इस झुकाव यानी इस कर्व का, हमको तो लेंस से मतलब है, इस लेंस का रेडियस पता होना चाहिए। तो इस लेंस का जो रेडियस होता है वो इसी जिस मिरर का ये बना होता है उसी का ये रेडियस होता है। जिस गोले का ये टुकड़ा है, जिस गोले का ये टुकड़ा है, उस गोले के टुकड़े का यानी उस पूरे गोले का जो रेडियस था वही इस लेंस का रेडियस है। इस लेंस के रेडियस को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी कर्वेचर रेडियस, यानी आपका वक्रता त्रिज्या जो इसका कर्वेचर बन रहा है, त्रिज्या। तो भैया रेडियस निकालने में तो दिक्कत ही नहीं है, आप किसी भी दर्पण का रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अरे यार यहां देखो लोग ना, ये क्या बात करते रहता है सब। आप बताइए बाबू, किसी भी दर्पण का आप रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बस उस दर्पण का पूरा फिगर बना दीजिएगा और उसको सेंटर से मिला दीजिएगा, उसी को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते यार, बोलो ना। हाँ निकाल सकते हैं, बस उस दर्पण को पूरा कर देना है। अगर आप रेडियस निकाल सकते हो तो इस रेडियस की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस क्या होता है? रेडियस की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। रेडियस की आधी दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। यानी अगर किसी भी गोला जो है, गोलीय दर्पण है, ये क्या है? गोला है। इसका आधा जो रेडियस है उसे हम वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस कहते हैं, और इसकी आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस के नाम से जानते हैं। अब आप बताइए, हम कह देते हैं एक लेंस, एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 है,
एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी जो घुमाव, वक्रता मतलब होता है घुमाव, कर्व, तो वक्रता त्रिज्या 40 है, तो उसकी फोकस क्या होगी आप बताइए, इसकी फोकस क्या होगी? कितनी होगी भैया? 20। वेरी गुड, कितना आ जाएगा 20? आप निकाल सकते हैं 20। चलिए 20, सुनिए ध्यान से, रेडियस था 40, इसलिए आप फोकस दूरी निकाल दिए रेडियस अपॉन 2 करके 20। अब हमको आप बताइए कि इसका रेडियस प्लस में 20 होगा या माइनस में, इसका प्लस होगा या माइनस में, हमको बस ये प्लस माइनस का झमेला समझ जाएंगे तो ससुरा आधा बेड़ा पार हो गया लाइट चैप्टर का, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आधा बेड़ा खत्म हो जाता है यहाँ पे। मेरी ओर ध्यान से समझिए, कोई भी चीज जब लेफ्ट साइड में होता है बाई ओर हो जाए तो उसको हम लोग निगेटिव कहते हैं, बाई ओर चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। लेकिन अगर कोई भी चीज दाहिनी साइड में शिफ्ट हो जाए, दाहिनी साइड में शिफ्ट हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, प्लस हो गया है, और अगर वो बाएं ओर गया तो निगेटिव हुआ, बाएं साइड में निगेटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, यानी ये चीज है लेफ्ट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में गया तो निगेटिव, और अगर राइट साइड में चला गया कोई भी चीज तो पॉजिटिव, राइट साइड में चला जाता है कोई भी चीज तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। इस हिसाब से आप बताइए कि किसका रेडियस निगेटिव होगा, अब भैया निगेटिव रेडियस होगा तो रेडियस का ही आधा फोकस होता है, तो किसका फोकस और रेडियस दोनों आधा होगा, तो भैया पहले रेडियस नहीं, किसका रेडियस निगेटिव और किसका रेडियस पॉजिटिव होगा, आप नक्शा वो उसका बताइए, किसका पॉजिटिव, उसके आगे प्लस माइनस लिख के बताइए। चलिए अब आवाज आ रहा है ना, बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी चेंज कर दिया। ये बताइए निगेटिव पॉजिटिव का झमेला खत्म हुआ कि नहीं हुआ? निगेटिव पॉजिटिव का झमेला आप खत्म कर लिए, यानी अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड की ओर घूम रही है तो वो होगी निगेटिव, और राइट साइड की ओर घूम रही है तो पॉजिटिव। अब आप कनकेव कन्वेक्स में नहीं मुड़ेंगे, समझिए ध्यान से, अब हमको प्रकाश में सबसे जरूरी दाहिना होता है या बायां, तो भैया बायां होता है, इसीलिए दाहिना साइड को पेंट कर देते हैं, हमेशा किसी भी दर्पण का दाहिना साइड को पेंट कर देते हैं। अगर बायां हुआ, धसल मिल गया, बायां धसल मिल गया तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, धसा हुआ है, कनकेव है, अवतल है, और बाएं साइड हुआ उठल मिल गया, बाएं साइड हुआ उठल मिल गया तो समझ जाइएगा कन्वेक्स यानी उत्तल है। ये देखिए ये इधर दाहिनी साइड में भाग रहा है, इसलिए इसका अंदर का सब चीज पॉजिटिव,
इस ससुरा बाएं साइड में भाग रहा है, इसलिए इसका फोकस और ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। फोकस दूरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए हम आपको एक चीज देते हैं, इस दर्पण पे पेंटे नहीं किया हुआ है, आपको तीन गो काम पता करना है। आपको पहले इसका नेम पता करना है, फिर ये पता करना है कि इसका फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, फिर ये पता करना है कि इसका रेडियस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये कौन सा दर्पण होगा, इसका फोकस और रेडियस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताइए। निगेटिव बोल रहा है सब। लेंसवा कौन होगा, बकलवा कर रहा है, उत्तल प्लस भैया। हमेशा जब भी पेंटिंग करना, हमेशा जब भी पेंटिंग करना तो पेंटिंग होगा आपके किस साइड में, ये बताओ। पेंटिंग होगा किस साइड में, दाहिनी साइड में। क्यों दाहिनी साइड में होगा, क्योंकि वस्तु या आदमी को बाएं ओर रखना है। कोनो बोका एनिए पेंट कर देगा तो हमको दिखबे नहीं करेगा, इसलिए जितना आप में से बोका था उस सब का सब बोका इधर पेंट कर दिया। अरे बोका, जब तुम इधर पेंट कर दिया और नियम है कि झांकना बाएं से है तो झांकेगा कौन ची मेरे, इसलिए बोका सब छट गया सब। अब इसका नाम कैसे पड़ेगा, अगर ये धंस गया, अगर ये धंस गया, धंस गया तो नाम क्या हो गया, कनकेव। धंस गया तो नाम क्या हो गया, कनकेव। हाँ धंस गया तो नाम होगा कनकेव। अब देख रहे बबुआ, ये जिस गोला का हिस्सा होगा, ये जिस गोला का हिस्सा होगा उस गोला का रेडियस इसका रेडियस होगा, और उस रेडियस का आधा इसका फोकस होगा। तो ससुरा इसको लेफ्ट साइड इसका रेडियस भी आएगा और लेफ्ट साइड रेडियस का आधा यानी फोकस भी आएगा। तो इहो ससुरा निगेटिव होगा, इहो ससुरा निगेटिव होगा। यार का बताएं, हये न फोटो हुआ थारे, खाली वो रंगलका मिटा दिए तो पगला गया सब तू लोग। हाँ ये ना फोटो हुआ था, देख ले भैया, इसको देख, इसको ध्यान से देखे। अभी हम ये बटन दाबेंगे फिर बदलेगा, ध्यान से देख दो, ध्यान से देखा। अब हम बटन दाब रहे हैं, वही है, तनी इन्ने बन गया है, तो तू लोग रंगियों नहीं पा रहा है, लो फिजिक्स पढ़ेगा लो। इस वाले दर्पण में बताइए इसमें क्या होगा, इसमें बताओ, इसमें अरे यार वही चीज भाई, भी ये भी क्या है, वही चीज भाई, इधर पेंट होगा, इसमें बता दो। इसमें बताइए पेंट किधर करिएगा, किन्ने साइड में पेंट कीजिएगा, इसमें कटोरा हो गया है। भैया पेंट जब भी होगा तो दाहिनी साइड में होगा, किधर होगा, दाहिनी साइड में होगा, तो इधर पेंट कर दिए पेंट से। अगर बाया कोना उठल है तो लेंस का नाम होता है कन्वेक्स
भैक्स, फेंका है भैक्स, कन्वैक्स। गोंज दो, जब नहीं समझ में आए स्पेलिंग याद नहीं आए ना तो उसको गोंज दो, इसे एग्जामिनर समझेगा अपना। मैट्रिक में जो हमसे स्पेलिंग गलती होता था ना या मात्रा गलत होता उसको गोंज देते थे, एग्जामिनर ससुरा समझे अपना, अब नंबर देगा। अवतल ऐ ससुरा, उत्तल है, क्या है, उत्तल है। चलो भैया अब इनकी तो आप फोकस देख लेते हैं, अब पहले तो रेडियस देखना पड़ेगा। रेडियस, ये रेडियस यानी ये किसी ना किसी एक गोला का भाग होगा, ये जिस गोला का भाग होगा उस गोला का सेंटर से यहां तक का हिस्सा रेडियस होगा, यानी ये दाहिनी साइड में भाग गया है, पॉजिटिव है, और इसकी आधी दूरिया क्या होती है, फोकस होगी, ये भी क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये दूरी क्या, फोकस, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, कर्वेचर रेडियस, सी आर बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं। अच्छा एक चीज आप गौर किए हैं, हम आपको समतल दर्पण पढ़ा दिए, खत्मों कर दिए ना, हम उसमें आपको फोकस बताए हैं और ना ही आपको उसमें रेडियस बताए हैं, ना ही उसमें पॉजिटिव निगेटिव बताए। चलिए हम आप पे छोड़ देते हैं, ऐसे हचाक से कर दिए, हचाक से कर दिए, तो एक साइड में पेंट करना पड़ेगा, तो ये कर दिए पेंट, किधर घूमेगा, उधर की इधर, नेम तो आ जाएगा, कहीं नेम आ जाएगा, समतल। अरे उधर घूमेगा कि इधर घूमेगा, नहीं समझ में आया। चलिए इंटर में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, मैक्सिमा और मिनिमा, जहां में पढ़ाया गया होगा कि किसी भी कर्व सेक्शन एरिया का, किसी भी कर्व लाइन का कोई एक सेक्शन एरिया एक स्ट्रेट लाइन होता है। अभी आपके दिमाग से उड़ गया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई अगर आप बड़ा सा गोला लेते हैं ना, कोई बहुत बड़ा गोला लेते हैं, बहुत बड़े साइज का गोला, और उस पूरे गोले को मिटाकर अगर एकदम केवल एगो छोटा सा सेक्शन छोड़ते हैं ना सेक्शन, तो वो नहीं लगेगा कि घूमा था ससुरा। देखिए हम क्या करते हैं, पूरा गोलवा मिटा देते हैं, पूरा गोला मिटा देते हैं और इसका एक छोटा सा हिस्सा छोड़ेंगे हम, अभी कोई कह सकता है इसको कि ये साला टेढ़ा था, अभी कोई इसे कहेगा कि ये टेढ़ा था, नहीं समझ में आया तू लोग को, अभी देख, अभी इसको कोई कहेगा कि टेढ़ा था ये, कोई कहेगा बताओ, कोई कहेगा इसको कि ये टेढ़ा था, ये टेढ़ा था छोटा, ये टेढ़ा था, लेकिन इसको मिटा दिए ना तो नहीं टेढ़ा लग रहा है ये, अरे टेढ़ा ले तो गड़बड़ा गया, गई भैंसिया पानी में, ले भाई कैमरवा सीधा कर ले, दो कैमरवा सीधा कर ले तो बबुआ, सोच रहा ये टेढ़ा हो गया, ढेर समझेला के चक्कर में ना हाचा खाचा गड़बड़ हो जाता। तो अगर कोई भी चीज सीधा है, अगर कोई भी चीज सीधा है तो यह ससुरा या चिल्ला यहाँ पे, यानी अगर इतनी चुकी है तो हत्ते बड़का गोला, और बड़ करेंगे तो और बड़का गोला, और बड़ा लाइन करेंगे और बड़का गोला, तो ये ससुरा कहीं का एकरो एगो बड़का गोला घींचेंगे ना, बड़का गोला, समझ में आ गया, बड़का एकदम संसद भवन इतना गोल, तो यो ससुरा एगो सेक्शन ही मिलेगा। अब कितना बड़ मिलेगा तो भाड़ में जाए ससुरा कहीं का, उसका रेडियस हम बोल देते हैं अनंत। लो ससुरा घिसते रहो अनंत, अनंत का आधा जो फोकस होता है वो लो अनंत, लो हो गया खत्म कहानी, नहीं समझ में आ रहा है हमको कितना बड़का घिंचाएगा, लेकिन कभी ना कभी वो गोल हो जाएगा,
इसी वजह से सुन बबुआ, इसी वजह से सुन, ध्यान से समझो, इंटर में तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ा। ये एक है, उधर ही रहो, मक्खी बैठ जाती है। ये है ना, इस गोला गोला टाइप का लग रहा है यार। नहीं, एक सेकेंड, इसमें गोला बनाने वाला सिस्टम दिया है। आहा, एक नंबर, हाउ ब्यूटीफुल गोला, वेरी ब्यूटीफुल गोला, बट दिस गोला विल नॉट मीटेगा। सोच रहे मीटेगा नहीं, ले बाढ़ में जो सुजा नौटंकी कर रहा है। ये गोला है भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गोला पर हम क्या करते हैं कि इसके सारे एरिया को मिटा देते हैं, इस गोला के सारे एरिया को मिटा देते हैं, थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे, सारे एरिया को मिटा देंगे, थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे। क्या इस लाइन को देखकर कोई कहेगा कि ये गोला का हिस्सा है? क्या इस लाइन को देखकर कोई कहेगा कि गोला का हिस्सा है? कोई कहेगा गोला है? नहीं है, नहीं है। अरे बकलोलिया, मक्खी बैठ जाती है सुसुरी। जो गोला चौपट कर दिया, यहां पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सोचा मजे खराब कर। क्या इसको देख के कोई कहेगा गोला का हिस्सा है? क्यों? क्योंकि आपको पूरा कर्व दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पूरा कर्व दिखता, अगर पूरा कर्व दिखता इसका, तो आप भी कहते पूरा गोला है, आप भी कहते कि नहीं कहते गोला है, समझिए ध्यान से। तो जब कभी भी हम पूरा कर्व नहीं देख पाते हैं, पूरा कर्व नहीं देख पाते हैं, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा हमें सीधा लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पृथ्वी सीधा है। अरे बोका, तोरा पृथ्वी नहीं दिख रही है, तोरा 2-3 किलोमीटर दिखता है ये, जबकि हेंगन है। अब बुझाया कि पृथ्वी गोल है कि चपटी, कि अभिनो नहीं बुझाया। अरे हम सीबीएसई वाले नहीं हो गए रे, पहले ये बता, तुमको पता चला कि नहीं पृथ्वी गोल है कि चपटी? ये बोल, पृथ्वी गोल है कि चपटी, ये बता। देखो भैया, इसमें कोई मौलाना रहेगा तो गोल बोलेगा, हम मौलाना लोग को पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। ये बताइए भैया, आप बताइए, पृथ्वी गोल या चपटी? रीजन क्या है? ये चपटी दिखती है, देख भैया, ये चपटी दिखती है लेकिन है गोल। रीजन क्या है? सेक्शन एरिया, देखो यार, सेक्शन एरिया, कि जब कभी किसी चीज का बहुत छोटे से एरिया को लेते हैं तो गोल नहीं, वो चपटा ही दिखेगा, सीधा ही दिखेगा। सीधा दिख गया, कैसा दिख गया? सीधा दिख गया, ठीक है। तो बहुत बड़ा साइज का लेना पड़ेगा, फोकस दूरी हो गया। अच्छा चलो, एगो चीज बात बताते हैं, फोकस दूरी को उलाट दो, उसी को कहते हैं पावर, वन अपॉन फोकस। फोकस दूरी को उलाट दो, उसी को कहते हैं पावर। तो इसका 1/अनंत मतलब 0, 1/अनंत मतलब 0, इसका पावर 0, इसका पावर 0। यानी देख रे बबुआ कितना इजी है फिजिक्स, देख 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 कितना इजी है, देख। हमेशा पेंट होगा दाहिना, काहे के लिए झांकना है बायां से। ये जिस गोला का हिस्सा है, जिस गोला का ये हिस्सा है, उस गोला की त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या, उसका आधा फोकस, और फोकसवा को उलाट दिए तो पावर, फोकसवा को उलाट दिए तो पावर, फोकसवा को उलाट दिए तो पावर निकालब, फोकसवा को उलाट दिए तो पावर निकालब। तुमको इसमें निकालना है इसका नाम, इसका फोकस, इसका पावर, इसका नेचर, प्लस माइनस के साथ।
अगर इसका रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया है भैया? अगर इसका रेडियस दिया गया 40 मीटर, ऐसा सूरत ने 40 मीटर, अगर इसका रेडियस दिया गया 40 मीटर, नाम हम सब निकालो, सब निकालो, पवरवा को निकालेंगे, हम निकालेंगे रे, घरे से निकालेंगे हम बकलवा। देखो भैया इधर देखो, हमेशा पेंट होता है दहिना पट्टी, हमेशा पेंट होता है दहिना पट्टी, तो हमने कर दिया दहिना पट्टी को पेंट, आई पेंटेड ऑल दहिना पट्टी। अब हमको नेच नाम देखना है तो हमको बायां कोना देखना पड़ेगा, उठल है उत्तल कन्वेक्स, इसका जो कर्वेचर की जो त्रिज्या है दी गई है 40, तो फोकस हो जाएगा 20, पावर हो जाएगा 1/20, पावर हो जाएगा 1/20। फोकस एक तरह की दूरी है, इसको नापेंगे मीटर में, इसको नापते हैं डायोप्टर में, लेंस की या दर्पण की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, लेंस या दर्पण की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, किस में नापी जाती है? डायोप्टर में नापी जाती है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दिनाए खजुअट, चेचक, फोड़ा, फुंसी, दिल में धड़कन, कुछ भी बढ़ा तो नहीं? सब समझ में आ गया? तो आपको ये सब समझ में आ गया, पॉजिटिव होगा। चलिए नेचर बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव उस साइड में गया तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, एगो सचुरा पॉजिटिव हुआ तो धरधरा के सब पॉजिटिव हो गया, काहे के लिए ओकरे पहिए पलीता वाला बम में एगो भड़काइए सब भड़क जाएगा, एगो भड़काएंगे तो सब भड़क जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया मिरर यानी दर्पण, कनकेव यानी अवतल, कन्वेक्स यानी उत्तल। चलिए भैया इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कनकेव मिरर जो होता है ना, इसका बायां सिरा धंसा हुआ रहता है, और कन्वेक्स जो होता है इसका बायां सिरा उठा हुआ रहता है।
हम जब भी रोशनी या टॉर्च को जलाते हैं तो बाएं साइड में जलाते हैं, तो ये क्या करता है, सारी किरणों को कटोरा की तरह मोड़ के वापस भेज देता है, यानी ये किरणों को एक जगह क्या कर देता है, अभिसारी कर देता है, क्या करता है, एक पास लाता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी, अभिसारी, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। देखिए ना, आप इधर से रोशनी जलाइएगा, जैसे ये मेन फोकस है, यहां से रोशनी जलाएगा यहां भेज देगा, यहां से जलाएंगे यहां भेज देगा, यहां से जलाएंगे यहां भेज देगा, यहां से जलाएंगे, सबको एक सेंटर पे लाता है, इसलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग। इसे क्या करते हैं, कन्वर्जिंग। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग कहेंगे। और वो बोका साला को देखिए, इसको देखिए, इस बोका को, इस पे अगर लाइट जलाएंगे तो किसको केने कोने और फेंकेगा, किसी को कोई ठीक है नहीं, तू उनने फेंक दे ससुरा, क्यों, कि किसका थुथुर उठा हुआ है, उठल थुथुर पे फेंकेंगे तो किधर फेंकेगा ससुरा, किसी को नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता कि हम किधर फेंकेंगे, हमको कुछ नहीं पता कि हम इसे किधर फेंकेंगे, तो इस ससुरा पगला होता है। आप बताइए, हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा दर्पण होशियार होता है, कौन सा दर्पण होशियार होता है, ये बताइए, कौन सा दर्पण होशियार होता है, अगर हम कहेंगे समझदार कौन होता है, कौन सा दर्पण होशियार यानी समझदार होता है, आंसर क्या आएगा आपका, कनकेव एक जगह ला रहा है, कनकेव एक जगह ला रहा है, इसीलिए इसीलिए इसका यूज कौन करते हैं, सोलर कुकर, सोलर कुकर, क्योंकि पूरी सूरज की रोशनी को ये बिचुए में ला देगा, पूरी सूरज कुकर कोई रोशनी को बिचुए में ला जाएगा, खाना बन जाएगा धधक धधक के, धधक धधक के बन जाएगा खाना, और क्या हो सका, प्रज्वलक, प्रज्वलक यानी फ्लेम के लिए, किसके लिए, फ्लेम के लिए, यानी अगर हम यहाँ कोई कागज का टुकड़ा रख दें, यहाँ कोई कागज का टुकड़ा रख दे और सूरज की रोशनी इस पर डालेंगे तो यहाँ से भी टकरा के यहाँ, यहाँ से भी टकरा के यहाँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर जगह से टकरा के यहीं आएगा और ये जलने लगेगा, धधक जाएगा धधक धधक के, तो बताइए धधकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, धधकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, इसी का प्रयोग करेंगे धधकाने के लिए, किसके लिए, धधकाने के लिए, नाक के अंदर जो होता है ना, नाक के अंदर जल्दी टॉर्च जलाएंगे ना तो रोशनी नहीं जाएगा, टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च वगैरह रोशनी जाएगा तो आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए डॉक्टर जो होता है, क्या होता है, डॉक्टर, अभी इसको डॉक्टर वाला चीज को बाद में बताएंगे, डॉक्टर वाला चीज बाद में, डॉक्टर वाली चीज को बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए यहां तक में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक में समझ में आ रहा है कि नहीं, ये किसी भी चीज को एक फोकस दे देता है, इसीलिए कार की हेडलाइट में या टॉर्च में, टॉर्च या हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं, टॉर्च या हेडलाइट में इसी का प्रयोग करते हैं, वो तो ससुरा छितार देगा इसे कि दिखबे नहीं करेगा, टॉर्च की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, टॉर्च की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, या इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि ये अभिसारी है, ये कैसा है, अभिसारी है, एक पास लाएगा इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आप कभी टॉर्च को समझे ही नहीं, गहराई से आपने कभी टॉर्च समझा ही नहीं कि टॉर्च क्या होता है, और आपको यह भी नहीं पता है कि टॉर्चों में लेंस वाला लगता कहां है, ऐसे जो टॉर्च लिखे तो टॉर्चर लिख दिया, बढ़िया टॉर्च, बढ़िया लिखना पड़ेगा कि ऐसे लिख देगा टॉर्च से,
देखिए अब तो समझिए आप लोग ध्यान से। हाँ देखिए बाबू, टॉर्च लाइट में जो आप समझ रहे हैं वो टॉर्च वो अलग चीज है। देखिए आप जो टॉर्च में ये वाली लाइट समझ रहे हैं, दर्पण समझ रहे हैं ना, वो दर्पण ही नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि ये जो सामने जिसको आप टच करते हैं, जिस चीज को आप क्या करते हैं, टच करते हैं, ये आप समझते हैं कि नहीं ये वाला समतल दर्पण है। अरे ये नहीं है भैया, ये केवल ये फाइबर है ताकि कीड़े मकोड़े अंदर न घुस सके। ये दर्पण नहीं है, ये फाइबर है। ये दर्पण नहीं है, ये क्या है, फाइबर है। देखिए ये क्या है भैया, ये फाइबर है। दर्पण अगर आपको देखना है दर्पण, तो देखिए ध्यान से, ये अंदर जो कटोरिया है ना, देखिए ध्यान से, अंदर इसके वो कटोरी दिख रहा है, अंदर कटोरी ऐसे धंसल, क्या है कटोरी, जो अंदर वा कटोरवा दिख रहा है कटोरी टाइप का, वो है अवतल दर्पण। ये कटोरिया है अवतल दर्पण, आ इसमें से जब लाइट फेंकता है ना लाइट, तो ये इसकी दीवारों से टकराता है, ये लाइट इसकी दीवारों से टकराता है, और ये टकरा के एक सीधी रेखा में जाता है। टकरा के कहाँ जाता है, सीधी रेखा में। क्या करेगा, सीधी रेखा में जाता है। इसी वजह से जब कभी भी टॉर्च लगाया जाता है, तो टॉर्च में यहाँ समतल दर्पण लगा दिया जाता है, और जो इसकी लाइट होती है वो यहाँ फिट कर दिया जाता है, जिस वजह से ये थोड़ा कम रोशनी करता है, लेकिन इसकी रोशनी यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, हर जगह दिखता है, और ये एक फोकस में मार देता है। तो टॉर्च में, हेडलाइट में, या एक जगह फोकस करके जलाने के लिए, या एक जगह फोकस करके खाना बनाने के लिए, हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल का। ये प्रयोग क्यों करते हैं ये मत याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा कि ये अभिसारी है, और इस अभिसारी होने से हमें क्या फायदा हो सकता है। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह लाना, एक जगह लाने से हमें क्या फायदा हो सकता है, तो भैया फायदा यही हो सकता है कि एक जगह आ जाएगा तो सोलर कुकर से खाना बन जाएगा, आग लगा सकते हैं यानी फ्लेम बन सकता है, टॉर्च या लाइट में प्रयोग कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे यार फोटो दिखा रहे हैं आप, चाइनीज है या कोई भी है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए यार, कोई दिक्कत नहीं ना, डॉक्टर वाला छोड़ दीजिएगा, डॉक्टर को इससे मतलब है नहीं है, इसकी बात करते हैं। ये होता है ससुरा, ये क्या होता है, ये होता है आपका अपसारी, डाइवर्जिंग, ये क्या होता है अपसारी यानी डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है अपसारी यानी डाइवर्ज, यानी किसी चीज को क्या करेगा, फैला देगा, क्या करेगा, फैला देगा। तो इसके फैलाने के कारण इसका प्रयोग करते हैं बिजली की लाइट पर, स्ट्रीट लाइट। किस में प्रयोग करेंगे, स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब क्या होता है, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये रोशनी को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए स्ट्रीट लाइट को देखिएगा ना, ऐसे जो लंबा लगाया जाता है लाइट, हुआ पूरा पीला का लाइट, हुआ पूरा रोशनी करता है, स्ट्रीट लाइट बहुत भयानक रोशनी करता है। भाई चचुरा स्ट्रीट लाइट दिख जा, अरे देखिए ये होता है स्ट्रीट लाइट,
जो स्ट्रीट लाइट होते हैं इनकी लाइट कभी भी देखेंगे तो ये फैली हुई रहेगी। क्या रहती है? फैली हुई लाइट रहती है। कैसी लाइट रहेगी? फैली हुई। अब स्ट्रीट लाइट को बनाया कैसे जाएगा? देखिए, जब कभी भी स्ट्रीट लाइट को बनाया जाता है तो इस तरह से एक खंभा रहेगा, इसमें से एक पोल दे दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक तो दर्पण लगा देंगे इस टाइप का। किस टाइप का दर्पण हो गया? ये हो गया दर्पण। इसके पिछला हिस्सा को कलई कर देंगे और इसके बाद इसमें लगाएंगे लाइट, इसमें लगाएंगे लाइट। अब ये फूट ना जाए, अब ये फूट ना जाए, इसलिए यहां लगाएंगे फाइबर का कवर, यहां लगाएंगे फाइबर का कवर। जबकि टॉर्च कैसा होगा, देखिए ध्यान से, टॉर्च जो होता है उसके लगाएंगे एक तो कटोरी इस टाइप का, क्या लगाएंगे? कटोरी। और इसके पीछे का हिस्सा क्या करेंगे? कलई करेंगे, पीछे का हिस्सा कलई करेंगे। और इसमें लगाएंगे हम लोग एक तो बल्ब, इसमें लगाएंगे बल्ब, और ये बल्ब फूट ना जाए इसलिए यहाँ लगाएंगे एक कवर, और ऐसे कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया टॉर्च। तो ये क्या करेगा भैया, ये रोशनी को एकदम सीधा फेंकेगा, रोशनी को क्या करेगा, सीधा फेंकेगा, क्योंकि ये दर्पण कैसा है, अवतल है। लेकिन ये क्या करेगा, ये रोशनियाँ जलेगा ना यहाँ से, तो ऐसे फेंक देगा, यहाँ पर ऐसे फेंक देता है। तो किसी भी मिरर में केवल दो क्वालिटी पाई जाती है, क्वालिटी नंबर वन कि वो किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है, दूसरी कि वो बड़ा कर रहा है इमेज को या छोटा कर रहा है। तो आप अगर यहाँ देखिएगा तो हम नंबरिंग एक डाले हैं, नंबरिंग एक का मतलब किसी भी मिरर में दो क्वालिटी ही मेन होती है कि वो किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है, दूसरा कि इमेज को बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है। तो अगर किरणों को सिकुड़ रहा है तो इस सिकुड़ी हुई किरण का कहाँ यूज हो सकता है? तो सोलर कुकर में यूज हो सकता है, लेंस में आग लगाने के लिए हो सकता है, कागज जलाने के लिए हो सकता है, टॉर्च में हो सकता है, हेडलाइट में हो सकता है। अब पता चला गाड़ी के हेडलाइट में ऐसे हो जाएगा तो फट जाएगा। टॉर्च का आगे का हिस्सा या गाड़ियों का हेडलाइट जो होता है वो शीशा होता है। आप देखिए ध्यान से, अच्छा जरा खोल ना रहे तो कार का लाइट, कौन गाड़ी है ये, डिजायर है क्या? आप ध्यान दीजिए, तो इस गाड़ी के अंदर भी एक कटोरी है धंसा हुआ, उसके अंदर लाइट है। ये जो बाहर से लगाया गया ये फाइबर है, अंदर धूल वगैरह नहीं जाने देता है, अंदर धूल वगैरह नहीं जाने देता है। तो किसी भी मिरर में दो यूज, पहला यूज होता है कि ये किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है। अगर ये किरणों को फैला देता है तो इसे क्या कहते हैं बताइए, इसे क्या कहा जाएगा? किरणों को फैलाएगा तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी, अपसारी। क्या कहेंगे भैया? अब सारी क्वालिटी नंबर दो, क्वालिटी नंबर दो इमेज, क्वालिटी नंबर दो इमेज, जो इमेज बनती है इस पर, ये क्या करता है, छोटे से छोटे चीज का इमेज ये क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। छोटे चीज का इमेज बड़ा कर देगा। जब ये छोटे चीज का इमेज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, तो आप इसका दो जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं? तो देखिए, एक डॉक्टर यूज कर सकता है देखने के लिए कि नाक में छेद है कि कान में छेद है कि कहाँ है, क्योंकि वो छोटे से छोटे चीज को इसमें देखिएगा तो बड़ा करके दिखाता है। दूसरा, जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं सैलून में, सैलून में दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी, वो किस चीज का यूज करता है? वो भी इसका यूज करता है। सैलून में देखिएगा जो आगे शीशा रहता है वो नहीं, जब आपकी दाढ़ी बन जाती है तो एक तो शीशा उतार के कहता है देख लीजिए आगे पीछे का देख लीजिए। तो इसमें दूसरी विशेषता होती है कि ये छोटे से इमेज को बड़ा कर देता है, छोटे से इमेज को बड़ा कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर देखता है नाक कान की छेद और हम लोग देखते हैं दाढ़ी उड़ी बड़ा है कि नहीं ठीक ठाक से, ये छोटे से इमेज को बड़ा कर देता है। दूसरी क्वालिटी, इसकी दूसरी क्वालिटी,
इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि इस ये जो इमेज बनाता है ये बड़ा से बड़ा इमेज को छोटा कर देता है, बड़े से बड़े इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। यानी ट्रक है ना तो उसको बत्तख बराबर दिखाएगा, ट्रक है तो इसको किसके बराबर दिखाएगा, बत्तख के बराबर दिखाएगा। इसलिए इसका यूज करते हैं साइड मिरर में, साइड मिरर में गाड़ियों के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है ना पीछे देखने के लिए क्या आ रहा है, तो आप इसको लगाएंगे ना ट्रक को ना इतनी चुकी दिखाएगा तो देख लेंगे ओ माय गॉड ट्रक लग गया। और अगर इसको लगा देंगे साइड मिरर में तो सोचो ट्रक को ट्रेन बना देगा, ट्रक को ट्रेन बना देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? देखिए देखिए तो साइड मिरर ये आपका क्या चीज, साइड मिरर। एक छोटे से मिरर के अंदर, एक छोटे से मिरर के अंदर पूरा मोहल्ला अट गया है। एक छोटे से मिरर के अंदर सोच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ये घर अट गए सब। यानी इसकी इतनी खासियत होती है कि बड़े से बड़े चीज को ये छोटा करके लगा देता है। क्या करता है, छोटा करके लगा देता है। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये क्या होता है, साइड मिरर के लिए यूज किया जाता है, साइड मिरर के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां समझा देते हैं हम। तो मेरे बाबू लोग आप कंसेप्ट याद रखिए, ये सब चीजें याद रखना बेवकूफी होती है, ये सब चीजें बेवकूफी है याद रखना। किसी भी दर्पण में केवल दो क्वालिटी होती है, कितनी क्वालिटी, दो क्वालिटी। पहला नंबर वो कि अगर वो किरणों को झुका रहा है यानी क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, तो अब पहला, दूसरा इमेज को बड़ा कर रहा है या छोटा। तो अगर ये झुका रहा है तो आप याद करिए झुकाने का काम क्या हो सकता है, तो आंख बंद करके सोचिए, सोलर कुकर में एक जगह रोशनी ला देंगे खाना बन जाएगा, टॉर्च में एक जगह रोशनी लाएंगे क्लियर दिखेगा, गाड़ियों की हेडलाइट में एक जगह रोशनी चाहिए सड़क पर फोकस कर दें तो ये हो सकता है। यहाँ पर आग लगाने के लिए यानी लेंस वगैरह प्रज्वलक के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये इमेज को छोटा से बड़ा कर देता है, तो छोटा से बड़ा करने के लिए डॉक्टर, आंख नाक कान का डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर, शेविंग करने में, दाढ़ी उड़ी बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा इधर देखिए, एक के गुण किरणों को फैला देता है, यानी वैसे जगह रोशनी चाहिए जहां रोशनी को फैला दी, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करते हैं। किसका, स्ट्रीट लाइट का। दूसरा ये इमेज बड़ा इमेज को छोटा कर देता है साइड मिरर के लिए, किसमें, साइड मिरर। इसका यूज कम, इसका यूज ज्यादा। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें दो चीज बच गया, अब वो दो चीज हम अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? क्या बच गया, एक इसका न्यूमेरिकल बच गया और एक बच गया इसका पोजीशन। पोजीशन आपने सुना होगा, एक बच्चों वाली चीज होती है पोजीशन, पोजीशन सुने होंगे कि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और कर्वेचर के बीच में है तो कहाँ बनेगा, कर्वेचर और रेडियस, ये कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहाँ बनेगा, ठीक फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में है तो कहाँ बनेगा। टोटल 6 कंडीशन होते हैं सर, बच्चों वाली चीज़ होती है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ऐसे देखिएगा, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे रहेगा तो कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा, अनंत और फोकस के, अनंत और कर्वेचर के बीच रहेगा तो फोकस और कर्वेचर के बीच रहेगा, कर्वेचर पे रहेगा तो ठीक कर्वेचर पे, कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो कर्वेचर और अनंत के बीच में रहेगा, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे हो जाएगा, काम खत्म। ऐसे तो बस ये दो चीजें बच गई, ये दो चीज अगर आप बना लिए, एक तो इसमें हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f, एक ये एक ये, मिरर खत्म हो जाएगा। जब मिरर खत्म होगा तो ऐसे ही लेंस खत्म हो जाएगा, लेंस खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इंद्रधनुष, ये वो, बीमारी, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि बता देंगे आप लोग को, दूर दृष्टि निकट दृष्टि बता देंगे आपको। ये बताइए अगला क्लास कितने बजे ले, नेक्स्ट क्लास कितने बजे ले?
अभी बज रहा है 11, 10 अभी बज रहा है 10, नेक्स्ट क्लास कितने बजे ले, 11 बजे ले या 11:30 पर ले, आप बताइए। अभी जो गैप दें वो 1 घंटे का गैप दें या 1.5 घंटे का गैप दें खाना खाने के लिए, क्योंकि हम भी नहीं खाए हैं, सीना दर्द कर रहा है, सोचा सुबह से क्लासे ले रहा आदमी। स्टैटिक जीके लिंक, ठीक है, इसको प्रोवाइड कर देंगे, इसका टेंशन छोड़ दीजिए, इसको आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, याद दिला दें। इसमें डिसाइड कीजिए कितने बजे, ग्यारह बजे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे गैप, खाना पीना खा के फिर मिलते हैं, फिर हम आपको दर्पण का न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे और उसके बाद से लेंस बता देंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, हेन तेन लेंस। अच्छा, किसी को प्रकाश पढ़ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येस या नो, प्रकाश समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, येस या नो बोलिए, येस या नो, यस बोल रहा है सब, एक दो को ऐसा नो बोल रहा है। देखो भाई साहब एक बात बताते हैं, यस या नो की बात बताते हैं, अगर हमसे कोई कहेगा कि खान साहब आपके सामने एक जंगल से छूटा हुआ शेर रख दीजिएगा, आप लड़ पाएंगे, हम सीधे बोल देंगे नहीं, सीधे बोल देंगे नहीं लड़ेंगे, ठीक है। जबकि आपको बताते हैं कि एक जंगल था जिसमें एक शराबी घुस गया था और पूरी तरह शराब के नशे में था, और वहीं पर तीन तीन शेर एक किसी जानवर को मार के उसे नोच नोच के खा रहे थे, वो शराबी जाके डांट के भगा दिया, गाली दे रहा था उसको, माँ बहन का गाली, शेर सबको भगो यहाँ से, सोच रहा शेर, तीन तीन शेर उस शराबी से भाग गए सब। सोचो जो शराबी चल नहीं पा रहा था ऐसे ऐसे भगो साले ऐसे, आप YouTube पर इस वीडियो को देखिएगा, शराबी ने शेर को भगाया, अभी जो गैप है उसमें आप ये वीडियो सर्च कीजिएगा, शराबी ने शेर को भगाया, ससुरा तीन तीन शेर शिकार छोड़कर भाग गया सा। और हम अभी पूरे होशो हवास में, लेकिन हमसे अगर कोई पूछेगा सर आप शेर को मार देंगे, हम पहले बोल देना ना भैया ना ना, हम नहीं मार पाएंगे, भागो भैया भागो यहां से, समझ में आ गया। तो जरूर ये होता है मनोबल, क्या है मृत्यु, रण से रणभूमि छोड़कर भागना है मृत्यु, तो यही समझिए फिजिक्स छोड़ के भागना है मृत्यु, हमको आएगा कैसे नहीं, 100% एफर्ट करेंगे आएगा कैसे नहीं। तो एक शराबी अगर शेर को भगा सकता है, लेकिन होशो हवास में खान सर शेर से नहीं लड़ सकते, ये होता है कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मिलेंगे लोग अभी नेक्स्ट 1 घंटा बाद।